गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी घर पे सुरक्षित हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जो जो आपके मंथली या वीकली जो क्विज़ होते हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ जो आप कोरोना के क्वेश्चन करवाता हूँ उसको भी आप ध्यान से याद कर रहे हैं, और आपकी क्विज की जो डेट है वो आ चुकी है, वो 6 जून को होगी। उसके लिए एक साइट पर मॉक टेस्ट भी है, उसको आप कर सकते हैं। उसके लिए एक वीडियो मैं इसमें आज बना के डालूंगा, और हम आज के जीके वो सॉरी आज के जो कोरोना के क्वेश्चन हैं, कोरोना से रिलेटेड, उनके ऊपर चलते हैं। चलो आज के क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस निम्न में से किस प्रकार की बीमारी है? आर्टिफैक्टियोलियस, जाइटोफाइसेस और सी ऑप्शन है, जोनोटिक, डी ऑप्शन है, साइकोफाइट। ये किसमें किस प्रकार से बीमारी फैलती है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये जो बीमारी कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है, इसको बोलते हैं जोनोटिक। यह हमारा सी ऑप्शन ठीक है, जोनोटिक बीमारी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? जानवरों से इंसानों में। इंसानों में फैलती है जोनोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस निम्न में से किस विशाल विषाणु परिवार से है? सभी को पता है इसका नाम नोवल कोरोना भी इसको बोलते हैं। नोवल का मतलब क्या था? नया। तो ये एक बहुत बड़ा परिवार है। कोरोना वायरस में 5-6 वायरस हैं जो हर अलग अलग समय पे आए हैं। तो पहला ऑप्शन है ओजोडोरा, बी ऑप्शन है स्पेक्ट्रोलिस, सी ऑप्शन है नोविडो, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो नोविडो है ये इसका राइट आंसर है। नोविडो नोविडो कोरोना वायरस जो है वो नोविडो परिवार का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस वैक्सीन का प्रथम मानवीय परीक्षण किस पर किया गया है? पहला ऑप्शन है जेनिफर विंगेट, बी ऑप्शन है जेनिफर हालर, सी ऑप्शन है शिवानी नारंग, डी ऑप्शन है जूलियट। मानवीय परीक्षण किया गया, वो एक औरत पर किया गया है जो अमेरिका की थी। कहाँ की है? अमेरिका। यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा जेनिफर हालर है जो अमेरिका से है। ये एक टैक कंपनी में बतौर मैनेजर के पद पर कार्य करती हैं, और इन्होंने अपने शरीर को कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए परीक्षण करने के लिए दिया था, जेनिफर हालर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर परीक्षणित COVID-19 के लिए तैयार वैक्सीन को किस नाम से जाना जाएगा? पहला ऑप्शन है ARNA 1273, बी है ऑप्शन RNA 1273, सी ऑप्शन है QRNA 1273, डी ऑप्शन है स्मॉल mRNA 1273। तो जो वैक्सीन है इसके बनाने के लिए सभी देश लगे हुए हैं, मगर अभी कोई सफलता नहीं। फिर भी अमेरिका ने
इस वैक्सीन को बनाने के लिए जो नाम दिया गया है वो है डी ऑप्शन, mRNA-1273। एम से मतलब है मॉडर्ना, कंपनी है कोई अमेरिका की दवाई बनाने की, उसने ये बना रहे हैं वो। तो एम जो है वो मॉडर्ना है, और आरएनए तो आपको पता ही रहा 1273, mRNA-1273 वैक्सीन का नाम जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बॉलीवुड सिंगर जो कोरोना पॉजिटिव के कारण अखबार की सुर्खियों में रही है, अब बॉलीवुड सिंगर जो विदेश से आई थी और कोरोना पॉजिटिव थी, फिर भी उसने पार्टी की, उसमें कई नेता और बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी, बहुत दिनों तक अखबार में वो चर्चा में रही। तो पहला ऑप्शन है कनिका कपूर, बी ऑप्शन है नेहा, सी ऑप्शन है नीति, और डी ऑप्शन है पलक मुच्छत। तो यहाँ पर जो कनिका कपूर है ये इसका राइट आंसर है। कनिका कपूर बॉलीवुड सिंगर है जो कई दिनों तक पॉजिटिव होने के कारण अखबारों की सुर्खियों में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह क्या मानी जाती है? पहला ऑप्शन है सी फूड, बी ऑप्शन है जंक फूड, सी ऑप्शन है पालतू पशु, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कोई क्या कहता है, कोई इसको चाइना वायरस बताता है, कोई इसको लैब में तैयार वायरस बताता है। तो यहां पर हमारा जो सी फूड है इसका राइट आंसर है, सी फूड के कारण कोरोना वायरस संक्रमण फैलता है। सी फूड जो समुद्र से हमें भोजन मिलता है उससे फैलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कोरोना वायरस किस स्तनधारी द्वारा फैलता है? इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो था कोरोना वायरस संक्रमण किसके द्वारा फैलता है, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंट है। ये है मानव में कोरोना वायरस किस स्तनधारी द्वारा फैलता है। पहला ऑप्शन है ए बिल्ली, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है सुअर, डी ऑप्शन है चमगादड़। तो यहाँ पर जो वुहान की सी मार्केट से जो फैला था वहां पर ये चमगादड़ की वजह से, मानते हैं कि चमगादड़ खाने की वजह से ये बीमारी मानव शरीर में आई है। तो मानव में कोरोना वायरस की स्तनधारी द्वारा फैलता है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या सावधानी अपनानी चाहिए? पहला ऑप्शन है हाथ धोने चाहिए, बी ऑप्शन है सैनिटाइज इस्तेमाल करना चाहिए, सी ऑप्शन है छींक व खांसते समय हमें अपना नाक व मुंह ढकना चाहिए। ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा डी, ये सभी, हमें हाथ भी धोने चाहिए, सैनिटाइज भी इस्तेमाल करना चाहिए, और छींकते समय या खांसते समय हमें अपना नाक व मुंह अच्छे तरीके से ढकना चाहिए। क्वेश्चन में ऑप्शन बदल भी सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। छींकते व खांसते समय हमें अपना नाक व मुंह ढकना चाहिए, ये इसका आंसर है। वैसे मैंने ऑप्शन बदल दिए हैं तो यहाँ पर तीन ऑप्शन बन गए, तो ये सभी आंसर इसका ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को राजकीय आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन सा बना है? राजकीय आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन सा बना है? पहला ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है बंगाल, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो हमारा यहाँ पर केरल जो है इसका सही आंसर है। केरल वह राज्य है जिसने सबसे पहले राजकीय आपदा घोषित की थी कोरोना वायरस को, और सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को आधिकारिक नाम क्या दिया गया है? यहाँ क्वेश्चन को की भाषा ध्यान से पढ़नी है। WHO द्वारा कोरोना वायरस को आधिकारिक नाम, कोरोना वायरस कहा है ना कि बीमारी, क्या नाम दिया है? पहला ऑप्शन है 2019 एनकोव, बी ऑप्शन है COVID-19, सी ऑप्शन है एनकोव मेर्स, डी ऑप्शन है आर COVID-19। तो ये हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 2019 एनकोव। यहाँ क्या कह रहा है ये कि कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है आधिकारिक, ये वायरस को नाम दिया है, और इस वायरस से होने वाली बीमारी को WHO ने क्या नाम दिया है? COVID-19। ये ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। WHO द्वारा कोरोना वायरस को आधिकारिक नाम क्या दिया गया है? 2019 एनकोव, नोवल कोरोना वायरस, और इससे होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया? COVID-19। ऐसा आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और आपके जो एग्जाम जो क्विज होना है उसकी डेट 6 जून है, इसलिए रोजाना इसकी तैयारी करें अच्छे तरीके से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।